हम सभी को जिंदगी में एक खुश और एक कामयाब इंसान बनना है, लेकिन इस रास्ते पर बहुत सी अड़चनें रहती है जो हमें पीछे रखती है। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कोई भी इंसान आज तक अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया है। तो ये हमें ये बताता है कि जिंदगी में हम कितना कुछ कर सकते हैं बट फिर भी अपने आप को अच्छा करने से रोकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम 6 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो साइंटिफिकली आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप ये आदतों के बारे में जानें और जितना जल्दी हो सके उनमें सुधार लाएं, ताकि आपको खुश रहने से और आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाए। तो शुरू करने से पहले, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे ही नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, खुद को कोसना बंद कीजिए। तो बहुत से लोग हैं जो बात बात में अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे से एक भी काम ठीक से नहीं होता, मैं ये नहीं कर सकता, एक्सेट्रा। हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि दुनिया में अगर कोई है जो हमें नीचा फील करा सकता है तो वो हम खुद है। हम ही कॉन्स्टेंटली अपने आप को कोसते हुए नीचा फील कराते रहते हैं, और इससे ये होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस और आत्मशक्ति खत्म होने लगती है। और अगर हम ही अपने आप पे यकीन नहीं कर पाए तो और कोई भी नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमें हर हाल में अपने आप को कोसना बंद करना चाहिए और उसकी जगह मोटिवेट करना शुरू करना चाहिए। नंबर 2, क्विट प्रोक्रास्टिनेटिंग ऑन योर गोल्स। तो प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है काम को टालना, आज के काम को कल पे डालना और कल के काम को परसों पे। दुनिया में अगर किसी चीज ने लोगों के सबसे ज्यादा सपने तोड़े हैं तो वो है प्रोक्रास्टिनेशन। जो काम हम आज स्टार्ट नहीं करेंगे वो कल कंप्लीट कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि काम को टालने की जगह हम उसी वक्त उसे शुरू कर दें, क्योंकि वो परफेक्ट टाइम जिसके लिए हम रुके रहेंगे कभी आता नहीं है, और सिर्फ स्ट्रेस बिल्ड होते रहता है जो हमें काम स्टार्ट करने से और भी डराता है। एक बार हमने बस काम शुरू कर दिया, चाहे कैसे भी, तो हमें उतना मोमेंटम मिल जाता है कि हम काम को बस खत्म कर सके। तो याद रखिए, अगर आपको चाहिए कि आप रेगुलरली अपने गोल्स को अचीव कर सके तो प्रोक्रास्टिनेशन को दूर कीजिए। नंबर 3, दूसरों को ब्लेम करना बंद कीजिए। हम ऐसा अक्सर करते हैं कि हमारे लाइफ की प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर आज हम सैड है तो उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब हम किसी और को ब्लेम करते हैं हमारी सिचुएशन के लिए, तो हम अपने प्रॉब्लम्स और अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। हम ज्यादा बाहर की चीजों पर डिपेंड होने लगते हैं, जिससे हमें सिर्फ निराशा ही मिलेगा, क्योंकि वो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए दूसरों को ब्लेम करना पहला कदम है फेलियर का। ये हैबिट से बाहर आने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारी लाइफ जैसी भी है हमारे चॉइसेस और डिसीजंस के वजह से है। हमारे पास इन चीजों का पूरा कंट्रोल है, और इसीलिए अगर आप आज जिस सिचुएशन में हो वो आपको अगर पसंद नहीं, तो आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बदलाव ला सकते हैं। नंबर 4, क्विट रनिंग फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स एंड फियर्स। हम सबके जिंदगी में प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम सबकी नजर में हमारे लिए बहुत बड़े होते हैं, बट हम कई बार उनको फेस करने की जगह उनसे घबरा के भागते हैं। इससे होता ये है कि प्रॉब्लम्स और बढ़ते चले जाते हैं और हमारा डर कहीं गुना बढ़ने लगता है। इससे हम कॉन्फिडेंस लूज करने लगते हैं और अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि हम डर के कारण सही डिसीजंस नहीं ले पाते। इसका सलूशन ये है कि हमें मन बना लेना चाहिए कि प्रॉब्लम से भागने के बजाय हम उसे हेड ऑन फेस करेंगे, और एक बार आप उसे फेस करते हो तो वो आपको बहुत छोटी लगने लगेगी, क्योंकि वो सिर्फ आपका डर था जो आपको पीछे रख रहा था। तो ये पॉइंट का मतलब सिंपल है, या तो हम अपने फियर्स को कंट्रोल करें या तो वो हमारी लाइफ को कंट्रोल करेंगे। नंबर 5, वो बनना छोड़ दीजिए जो आप नहीं है। आज की दुनिया में हर चीज हमें वो बनाने की कोशिश कर रही है जो हम नहीं है। इसीलिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हम वो बनना छोड़ दे जो हम एक्चुअली में नहीं है। हम कोई भी चीज में कितने भी अच्छे क्यों नहीं हो, लेकिन दुनिया में कोई ना कोई जरूर रहता है जो हमसे बेहतर है। कोई ना कोई जरूर है जो हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा स्किल्ड या हमसे ज्यादा जवान है। तो हमें अपने आप को चेंज करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोग हमें पसंद करें। हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, और सही लोग जो हम हैं उसके लिए हमें पसंद करेंगे, और उनसे भी ज्यादा हम अपने आप को पसंद करेंगे। नंबर 6, बात करना बंद करें और काम करना शुरू। तो जो फाइनल पॉइंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया होता है और हम उसके बारे में सोचते रहेंगे और दूसरों को बताएंगे, बट क्या सिर्फ आइडिया का होना इनफ है? नहीं, राइट?
इनफैक्ट कुछ साइंटिफिक स्टडीज ये भी बताते हैं कि अपने आइडियाज को दूसरों को बता के या ज्यादा उसके बारे में बात करके हमें एक फेक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट मिलता है, जिससे हमारा ब्रेन एक तरह से सोचने लगता है कि काम हो गया है और हमें खुशी मिल जाती है, तो उसके बाद हमें काम शुरू करने में और भी परेशानियां होने लगती है। हमें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि देयर इज मैजिक इन एक्शंस। अगर आप किसी भी चीज के लिए एक्शंस लेने लगते हो तो वो ही आपके उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाएगा, वरना उसके बिना वो सिर्फ एक थॉट ही रह जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम अपने आइडिया पे बातें कम और काम ज्यादा करना शुरू करें। तो ये है 6 आदतें जो आपको इसी वक्त बदलनी चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। आप में इनमें से कितनी आदतें हैं जिसे आप बदलना चाहोगे, कमेंट्स कीजिए नीचे। मेरे में पर्सनली 3 आदतें हैं जिसे मैं बदलना चाहता हूं और इनपे आज से ही मैंने काम शुरू कर दिया है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।